नमस्कार जन कुमार, सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका दौरे से लौटे पीएम मोदी ने याद की सर्जिकल स्ट्राइक का। 3 साल पहले इस दिन पूरी रात करता रहा फोन का इंतजार। 29 सितंबर 2016 को पीओके में घुसकर की गई थी सर्जिकल स्ट्राइक। हर कमांडो के कंधे पर था 25 किलो गोला बारूद। स्वदेश वापसी पर पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत का। पिछले 5 सालों में विश्व मंच पर भारत के लिए बड़ा प्यार। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारी बारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेल यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्कूल हुए प्रभावित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को दिया निर्देश का। भारी बारिश को देखते हुए करें समुचित व्यवस्था। पटना में सड़क से लेकर मंत्रियों के घरों और अस्पतालों में घुसा पानी। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक भारी बारिश की जताई आशंका। यूपी के सीएम योगी ने लॉन्च किया एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय में आएगी कमी। महाराष्ट्र में भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। पीएम मोदी से चर्चा के बाद की जाएगी प्रत्याशियों की घोषणा। उत्तरी महाराष्ट्र में भाजपा ने कांग्रेस एनसीपी की बढ़ाई मुश्किलें। 14 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। उद्धव ठाकरे ने ठोका मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना का दावा। भाजपा शिवसेना गठबंधन को लेकर शुरू हुई अटकलें। राज ठाकरे की मनसे 125 सीटों पर लड़ेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। मुंबई, ठाणे और नासिक में मनसे पेश कर सकती है चुनौती। राष्ट्रमंडल संसदीय कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। भारत ने कहा पाकिस्तान में सैन्य शासन ही परंपरा प्रचलित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में पहुंचा था भारतीय दल। युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित की गई थी कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन टीआरएस में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों के नाम तय। आज जारी होगी जननायक जनता पार्टी की दूसरी सूची। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के सामने बगावत रोकने की चुनौती। दोनों दलों में रविवार सोमवार से शुरू होगी टिकट आवंटन की प्रक्रिया। संबित पात्रा ने अनुच्छेद 370 के बहाने एनसीपी पर साधा निशाना का। किसी भी दल में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं हो सकते। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला का। मेरी माँ के खिलाफ सबूत हैं तो उन पर करें कार्रवाई। आर्थिक नीतियों पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान का। नेहरू मॉडल के कारण पीछे भारत की अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान के भाषण के बाद घाटी में मना जश्न। जम्मू कश्मीर में फोड़े गए पटाखे, लगे आजादी के नारे। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पाक पीएम इमरान खान पर ली चुटकी का। 15 मिनट में कोई क्या करता है ये बताता है उसका चरित्र। जीडीपी को लेकर ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज का। पढ़ लें किताब, जहांगीर औरंगजेब के समय भी होता था निर्यात। सीएम योगी की मुगलों पर की गई टिप्पणी पर बोले ओवैसी का। यूपी की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करें फोकस। सीएम योगी ने गिरती अर्थव्यवस्था के लिए मुगलों को ठहराया था जिम्मेदार का। मुगलों के दौर की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने किया था चौपट। नड्डा के जंगल राज वाले बयान पर टीएमसी नेता फरहाद का पलटवार। बोले जंगल से आने वाले नड्डा को नहीं दिख रहा विकास। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने ममता सरकार पर उठाए थे सवाल का। पश्चिम बंगाल में जंगल राज और आतंक का राज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए एनसीपी नेता अजीत पवार का। शरद पवार पर लगे आरोपों से दुखी होकर दिया इस्तीफा। परिवार के भीतर कलह की अटकलों को अजीत पवार ने किया खारिज का। बैंक घोटाले में शरद पवार का दूर दूर तक संबंध नहीं। हिजबुल के शीर्ष कमांडर ओसामा को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकी के सिर पर था कई लाख रुपए का इनाम। बिहार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप। दिल्ली मेट्रो में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने जा रहा है प्रतिबंध। निदेशक अनुज दयाल बोले डीएमआरसी ने बंद करने का किया फैसला। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम अमरिंदर बोले मानवीय आधार पर जेलों से 550 कैदी होंगे रिहा। कांग्रेस ने 5 राज्यों के उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पार्टी के महासचिव प्रभारी मुकुल वासनिक ने दी जानकारी। बजरंग दल ने गरबा आयोजकों के लिए जारी किया फरमान का। इवेंट में एंट्री के लिए आधार कार्ड को करें जरूरी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 3रे खंड का आज होगा उद्घाटन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिखाएंगे हरी झंडी। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने वैश्विक शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी ने आयोजित किया था सम्मेलन। लक्ष्मी विलास बैंक की नई शाखाएं खोलने पर आरबीआई का प्रतिबंध का। बैंक की पहले से चल रही शाखाएं अब नहीं दे सकती लोन। सिंगापुर के पीएम सीएन लूंग ने महात्मा गांधी के अहिंसा पर दिया बयान का। अहिंसा का दर्शन दुनिया के लिए है एक विवेकपूर्ण संदेश। भारत ने करीब 3.25 करोड़ से बना स्कूल नेपाल को सौंपा। काठमांडू में कुलेश्वर माध्यमिक विद्यालय का किया निर्माण। पाकिस्तान के बाद चीन को भी भारत ने दिया करारा जवाब का। कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग।
भाजपा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर की बड़ी मुश्किलें, फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी पर पुलिस ने दायर की चार्जशीट। आज 5 दिवसीय मालदीव दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख बिपिन रावत, द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को और अधिक विस्तार देने पर होगी चर्चा। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य के मंदिरों में पशुओं की बलि पर लगाई रोक, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने दिया आदेश। किसी भी मंदिर के प्रांगण में पशु पक्षी की बलि की नहीं होगी इजाजत, देवी त्रिपुरेश्वरी मंदिर में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आदेश। प्रियंका गांधी ने प्रशासन पर लगाया चिन्मय आनंद को बचाने का आरोप, का पीड़िता को फंसाने के लिए अधिकारी रच रहे साजिश। रिम्स की कैंटीन से निकलने वाले धुएं से परेशान हुए लालू यादव, लालू की सेहत को लेकर डॉक्टर डी के झा ने जताई चिंता। कपिल देव की अगुवाई वाली सीएसी को हितों के टकराव का नोटिस, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य संजीव गुप्ता ने की थी शिकायत। सीएसी में कपिल शांतारंगा स्वामी और अंशुमन गायकवाड़ हैं शामिल, भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का किया था चयन। टीम से बाहर होते ही केएल राहुल ने विजय हजारे ट्रॉफी में ठोका शतक, रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में ओपनर के तौर पर किया गया शामिल। अभ्यास मैच में खाता भी नहीं खोल पाए उपकप्तान रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में करेंगे पारी की शुरुआत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।